गाजियाबाद में सीएए के समर्थन में पूर्व सैनिकों का मार्च देखने को मिला, जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस पर पूर्व सैनिकों ने मार्च किया। पूर्व सैनिकों का कहना यह है कि यह बिल देश हित के लिए है। राष्ट्रपति के नाम उन्होंने गाजियाबाद के डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है, यानी कि जहां एक तरफ पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग इसे काला कानून बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व आर्मी के लोग अब इसके समर्थन में उतर आए। देश के शहीदों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जो ये सीएए बिल पास हुआ है, हम इसके समर्थन में पूरे एक्स सर्विसमैन हैं और तोड़फोड़ के बिल्कुल खिलाफ है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको इस बारे में मालूम है क्या है ये? और कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है। जागरूक करने के लिए हम सभी एक्स सर्विसमैन आज आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और हम कहते हैं देश के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को मजबूत बनाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। तो जहां पर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में है, वहीं पर कुछ आर्मी के पूर्व जवान जो कि रह चुके हैं, वो अब सड़कों पर हैं इस विरोध के खिलाफ में। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फुलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अनिल, अब जिस तरीके से आप एक्स आर्मी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या इनका मकसद है, क्या कह रहे? मुझे लगता है अनिल से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देश के एकता अखंडता के विरोधी, भारत छोड़ो, कुछ इस तरीके से हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर के ये एक्स आर्मी के लोग विरोध करते हुए उन लोगों का, जो लोग इस कानून को लेकर के सड़कों पर हैं और हिंसा फैला रहे हैं।